हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 की ना डे 3 की एडवांस बुकिंग संडे की, जो कि कल होने वाला है। अब सब लोग बोलेंगे कि कोई वेबसाइट तो दे नहीं रही है, तू कहां से दे रहा है। मैं भी बोलने वाला हूं कि कोई भी वेबसाइट नहीं दे रही है, मैं कहां से दे रहा हूं। मैं लाइव बुक माई शो से भाई सारा डेटा निकाल कर लेकर आया हूं कि कितने शो सोल्ड आउट है, कौन कौन सी सिटी में, कितना भाई साहब फास्ट फिलिंग है। मैंने 5 शहर लिए हैं दोनों के, जो जो लिए हैं वही लिए हैं, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, पुणे एंड कोलकाता। और आपको ना विश्वास ना हो तो मैंने 6:55 से 7:21 पर ये डेटा लिया है। इसके बाद जो डेटा आएगा वो आप देख लेना। यहाँ तक के डेटा का मैं 100% गारंटी लेता हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ। जो बोलने वाला हूँ ये देखो, ये कॉपी में सब लिखा हुआ है सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया का, कि किसने कितने कितने फास्ट फिलिंग की है, कितने कितने सोल्ड आउट है। मैं पहले तो रिकॉर्डिंग भी लगाता था, अब रिकॉर्डिंग नहीं लगाता, लंबा हो जाता है वीडियो, आप खुद देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंघम अगेन की। जी फाड़ जाने वाला है कल, जी फाड़, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। संडे अभी तक का बिगेस्ट जाने वाला है इन दोनों का। मतलब अगर आपको लग रहा है ना दिवाली के अगले दिन जो कलेक्शन आया है, जो भाई सैटरडे आएगा, संडे इन दोनों से बड़ा जाने वाला है। क्योंकि जब मैंने भाई साहब देखा एडवांस बुकिंग ना, मैं हिल गया। खास कर की BB3 भाई, मैं हमेशा से कहता आया हूँ ओके, पेंसी मैटर करती है, शोज मैटर नहीं करते हैं। और भूल भुलैया 3 की जब आप आज का शो सुनोगे जो कल के लिए बुक हो चुके हैं ना संडे के लिए, तो हिल के रह जाओगे। और मैं सच बता रहा हूँ, इससे एक बात क्लियर है कि भूल भुलैया 3 भाई साहब मल्टीप्लेक्स में कमा रही है, और जो सिंघम अगेन है ना उसका कम से कम 40% कलेक्शन सिंगल स्क्रीन से आ रहा है, मास बेल्ट से आ रहा है। वो अभी जब मैं आपको डेटा बताऊंगा ना उसको, उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा। तो पहले आते हैं भाई सिंघम अगेन के ऊपर। कोलकाता में 15 शोज फास्ट फिलिंग है, पुणे के अंदर 34 शोज फास्ट फिलिंग है, अहमदाबाद में 63 शोज फास्ट फिलिंग है, मुंबई में 173 फास्ट फिलिंग है, एंड भाई 3 सोल्ड आउट है मुंबई में, बहुत अच्छा है। दिल्ली एनसीआर में सिंघम के सिर्फ 31 शोज फास्ट फिलिंग है एंड 2 सोल्ड आउट है। टोटल एंड में बताऊंगा जब मैं भूल भुलैया का बता दूंगा। अब तुम भूल भुलैया का सुनो और सिर पकड़ लोगे अपना कि कल क्या कोराम एडवांस में मचा रहा है ये। और तो देखो सिंघम का क्या हो रहा है ना, ओवर द टिकर काउंटर ज्यादा बिक रही हैं, वो 100% प्रूफ हो चुका है। कोलकाता भूल भुलैया 3 का 94 शोज फास्ट फिलिंग, पुणे 61, अहमदाबाद 56, और भाई मुंबई 310 शोज मुंबई के अंदर भूल भुलैया 3 के कल संडे के लिए फास्ट फिलिंग हो चुके हैं। और भाई अगर बात करूं दिल्ली एनसीआर की, तो 235 शोज दिल्ली एनसीआर में फास्ट फिलिंग है, 4 सोल्ड आउट है। अब तुम सुनो पहले सिंघम अगेन के कितने शो सोल्ड आउट थे, कितने फास्ट फिलिंग थे। भाई सोल्ड आउट है 5 शो सिंघम अगेन के अभी 6:55 से लेकर और 7:21 तक जो डेटा है मैंने बनाया है, इतना वक्त लगता है, 5 सोल्ड आउट है। और 316 यानी कि 316 शोज फास्ट फिलिंग है सिंघम अगेन के कल संडे के लिए अभी से हो चुके हैं। बढ़िया है, अब बहुत बढ़िया सुनना है ना, तो भाई सुनो इसका धमाका मच गया है, पछवाड़ा लाल करने वाला। एडवांस बुकिंग कर चुकी है भूल भुलैया भाई साहब, 4 शो सोल्ड आउट है और 756 यानी कि 756 शोज भूल भुलैया 3 के संडे के लिए अभी से फास्ट फिलिंग के ऊपर चल रहे हैं। रात होते होते कल सुबह होते होते ये सोल्ड आउट में तब्दील हो जाएंगे। इसमें कोई सिंघम अगेन वाला निराश होने की बात नहीं है, ये अभी तक का डेटा है। सिंघम अगेन वाले भाई कल बुक कर लेंगे, लेट नाइट बुक कर लेंगे, पर इससे एक बात कन्फर्म है कि भाई दिवाली जो सारे मेकर्स करते हैं ना, दिवाली पैसा कमा कर देती है, इसलिए सब लोग करते हैं। क्योंकि छुट्टियां होती है, पूरे परिवार के परिवार जाते हैं, और अगर दिवाली पे लोगों को फिल्म पसंद आ जाए तो ये हाल होता है। सोचो दोनों अकेले आती तो कितना कलेक्शन करके जाती, दोनों ने बहुत बड़ा चांस मिस किया है। भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंड कर लेते तो ठीक था, नहीं तो इंडियन बॉक्स ऑफिस, खास करके भाई साहब हिंदी बेल्ट का बॉक्स ऑफिस ना बहुत 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 पावर रखता है, एक दिन में 70-70 करोड़ कमाने का पावर रखता है, अगर फुल फ्लेज ऑक्यूपेंसी चले ना, वो बात होने वाली है। तो आप बताओ आपने कौन सी बुक करी है कल संडे के लिए, भूल भुलैया करिए, सिंघम करिए, मेरी नज़र में दोनों फिल्में धमाकेदार पैसा कमा रही हैं। असली टेस्ट इनका मंडे होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।